हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र अध्ययन के बारे में, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से लेकर सेंट्रल लेवल तक का एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से। और पिछले अध्याय तक मैंने 5 लेक्चर ख़त्म कर चुका हूँ, आज ये मेरा 6वां लेक्चर है। तो आइए चलिए देखते हैं ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर देखिए, पिछले अध्याय में मैंने देखा था राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। आज मैं यहाँ से बताने वाला हूँ 151 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। यहाँ पर देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ वो सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर हैं, और जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से 4 बार 3 बार वीडियो मेरे देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ है, राज अंतराल जो है वो 56(1) में, 1 का (ग) में दिया हुआ है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। तो ये 56(1) में ये कहा गया कि राष्ट्रपति अपने पद को जब तब तक त्याग नहीं करेगा जब तक कि उस पद पर उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। इसके बाद देखिए, है दिया हुआ अनुच्छेद 59 में के तहत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की मासिक वेतन इस समय कितना है? तो राष्ट्रपति की मासिक वेतन 1.5 लाख रुपए है तथा अवकाश प्राप्ति के बाद 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, महाभियोग अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित वर्णन किया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और महाभियोग के प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है तथा प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत भी अनिवार्य है। तो महाभियोग प्रस्ताव कब पारित होगा? जब कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल जाएगा तो महाभियोग किसी के भी प्रति पारित हो सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया हुआ है अगला में, प्रस्ताव की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ये जरूरी है कि कोई भी प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव है जो जो कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे देनी चाहिए। इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का केवल एक ही आधार है जो कि संविधान का अतिक्रमण करके। तो ये सब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, संविधान का अतिक्रमण करके ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और इसके बाद है, राष्ट्रपति देश के सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा तथा लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और इसके बाद अगला है कि जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह है, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान कर सकती है और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है कि देश के आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान कर सकते हैं राष्ट्रपति। और इसके बाद है कि विभिन्न प्रकार की संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, और जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह तथा वित्तीय संकट की स्थिति में, संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इसके बाद है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति है जब उस विषय पर तुरंत ही संसदीय अधिनियमित बनाना संभव नहीं होता है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह है, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है
जब दोनों में से किसी एक सदन का 17वसान हो गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कब अध्यादेश बना सकता है, तो जब दोनों सदन जो उच्च और निम्न सदन होते हैं वो दोनों सदन का 17वसान अगर हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति होती है, या वह अन्यथा सत्र में नहीं है, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब उसे यह शक्ति नहीं होती है। इसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, और संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलेगा, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा, अपनी बातों को ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए मतदान नहीं दे सकता है, किंतु यदि वोट बराबर हो जाए तो वह सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन वो मतदान भी नहीं दे सकता है। अगर वोट बराबर हो जाता है दोनों का तो उस समय वो सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सक अपने वोट्स के माध्यम से। तो भारत का उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के सामने शपथ लेना पड़ता है। इसके बाद देखिए है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभाल सकता है। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो, और उपराष्ट्रपति 6 महीने तक इस पद पर कार्य कर सकता है, इसके अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट में देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होता है। और आज के लिए बस इतना ही, आज के टॉप 25 क्वेश्चंस खत्म हुए, और मिलेंगे अगले अध्याय में जो कि 7वां अध्याय होगा, और उसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि इसके आगे का सारा अनुच्छेद के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे वीडियो को देखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर PDF चाहिए तो आप लोग PDF के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।